पहले भी कभी ऐसा हुआ कि कभी रेड पड़ी हो यहाँ पे? कभी नहीं, नहीं पहली बार हुआ उनके घर पे, अदरवाइज तो किसी और मैटर में कोई टीम आई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन उनके घर पे पहली बार। सीआरपीएफ कितने बंदे हैं जी? सीआरपीएफ के 5-6-7 लोग। अच्छा, दूसरे ईडी के? ईडी के 4-5। सर कदों आए ने, कि पता लगे? सुबह 8 बजे आए, पता लगा तो उन्होंने सिक्योरिटी को यहाँ पे दरवाजे सील कर दिए। किसको मिलने आए पता लगा? भूपेंद्र जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, वो तरह से बाहर निकले हैं, तो हलचल हुई है। सर सुबह भूपेंद्र सिंह कहाँ रहते हैं? कहाँ पे? टावर 5 में रहते हैं। इस तरह का टावर 553 नंबर फ्लैट। कौन से फ्लोर? लाजमी है, कब से चल रहा है ठीक? किसी को आने जाने में दे तो अंदर जा रहे हैं? नहीं, अब तो खोल दिए सारे दरवाजे, सिर्फ उन्हीं के फ्लैट में अभी ऊपर है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे सेम पैटर्न पे। अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर पाएंगे। कितने ठिकानों पे हुए नहीं पता है, ये तो मैंने जो टीवी और खबरों से सुना है उसके हिसाब से रेड हो रही है। अभी तक मेरे पास इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि अल्टीमेटली हमारे मंत्रियों को और मुझे ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2017-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये। लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। बदलाखोरी आपको क्या लगता है? आपको पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा। पिछले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आप सबको पता है, जनता को पता है, और उसके बदले में अब ये पंजाब की कांग्रेस को और मुझे दबाने की जो कोशिश है ये सफल नहीं होगी।